हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कि मैं आप लोग को थोड़ा दिखा दूं कि मैं कहाँ बाहर आई हूँ। मैं आज थोड़ा बाहर आई हुई थी, मुझे 3-4 दिन हो गया था बाहर निकले हुए, और वैसे आज गर्मी भी बहुत थी। तो मैंने अपने पतिदेव को बोला कि थोड़ा मुझे आज बाहर लेके चलिए। वैसे तो मैं आई थी कोल्ड कॉफ़ी पीने, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी मुझे पीने का बहुत मन कर रहा था, और मैंने सोचा था कि आज मैं बड़ा वाला कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगी लेके। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने वैसे कहाँ से लिया है, आज गर्मी बहुत है। और मैंने अभी क्या लिया है मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने लिया है ये ट्रैफिक जैम। हाँ, तो ये ट्रैफिक जैम में क्या क्या है मैं आपको बताती रहूँगी। तो और ये काफ़ी मैंने 1-2 चम्मच वैसे टेस्ट कर लिया है। मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊँगी कितना अच्छा है ये, बहुत टेस्टी है। और मेरे हस्बैंड ने लिया है शिकंजी, मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊँगी। सॉरी, शिकंजी नहीं, खट्टा मीठा, हाँ वो लिया है। अच्छा, काला खट्टा लिया है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पहले शॉप दिखाती हूँ। पता है ये शॉप बहुत ही अच्छी है। एक्चुअली युग को भी पीना है काला खट्टा। तो ये जो शॉप है ना, मैं जो बता रही हूँ, काफ़ी ही चीप एंड बेस्ट शॉप है। क्योंकि पता है ये जो ट्रैफिक जैम है ना, ये बाहर आप किसी मॉल में चले जाइए तो ये काफ़ी महंगा मिलेगा। वैसे ये मिला है बस 70 का, सॉरी मैं 90 वाला बोला था, बट वो गलती से 70 का बस बना के लेते आया। तो काफ़ी टेस्टी है ये। और मैं आप लोग को अभी शॉप दिखाती हूँ कि शॉप कैसी है। छोटी सी शॉप है लेकिन बहुत ही यहाँ भीड़ लगती है, काफ़ी अच्छी शॉप। तो फ्रेंड्स, आप ये जो प्राइजेस देख रहे हैं ना, आप अगर सीसीडी चले जाइए, जैसे मुझे कोल्ड कॉफ़ी यहाँ की बहुत पसंद है, काफ़ी अच्छा कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं ये। तो आप किसी कैफ़े में चले जाइए तो वहाँ 200-250 के नीचे मिलेगी नहीं, बट यहाँ पर 30 से शुरू होती है, 30, 40 और 50, 3 तरह की कोल्ड कॉफ़ी मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पे सारी ही चीज़ें काफ़ी अच्छे दाम पे मिलती हैं। और आप देख सकते हैं कितने सारे इन्होंने अपने जो भी यहाँ पे ये बेचते हैं ना, जितने शेक्स देते हैं उनके, वैसे इनके ये सारे वैरायटी, हाँ जितनी वैरायटी है इनके ना शेक्स की, तो इन्होंने सब टांग रखे हैं अभी यहाँ पे। आप देख सकते हैं इनके यहाँ भीड़ भी होती है। उसके बगल में जो आप शॉप देख रहे हैं, जहाँ पे ऑरेंज पहने टी शर्ट भैया खड़े हैं, तो वो वाली शॉप है चाय की शॉप। तो वो वाले भैया के यहाँ मिलती है यही जो स्नैक्स मिल जाएंगे आपको। इनके यहाँ एक पेटीज आती है डिलक्स पेटीज, उसको मैं कभी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वो काफ़ी अच्छा देते हैं, पता है वैसी पेटीज मैंने अभी तक कहीं नहीं खाई है, वो पेटीज काफ़ी अच्छा देते हैं। और आप इधर सामने देख सकते हैं, इधर रोड जाती है सामने, ये रोड जाती है, ये हमारे युग भी बगल से बोल रहा है, मैं अभी युग को भी दिखाती हूँ आपको। ये जो रोड जाती है मथुरा की तरफ रोड जाती है ये। और पता है ये जो जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये हमारे हॉस्टल से ना बस 5 मिनट की दूरी पे है। हम अभी मस्त गाड़ी में बैठ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम खाते हैं। और ये हैं युग जो गाड़ी चला रहे हैं, उनके पापा शिकंजी पी रहे हैं, तो युग भी शिकंजी का टेस्ट करना चाहते हैं। युग को पता है युग को स्ट्रॉ चाहिए, हाँ हमारे युग को चाहिए स्ट्रॉ। ये हमारे युग शिकंजी पी रहे हैं, ये युग वेरी गुड, हाँ। तो दोस्तों, गर्मी का मौसम हो और ऊपर से ये हमारे ट्रैफिक जाम, पता है आपको इसमें इतनी सारी लेयर्स हैं, जैसे इसमें नीचे शायद ये वाइट वाला तो मुझे नहीं पता क्या है, बट इसके ऊपर अनार है, मे बी मुझे लगता है रुआफजन उन्होंने इसमें डाला होगा। और ये ब्राउन ब्राउन जो है, मुझे लग रहा है चॉकलेट आते ना वो हर्शेज या अमूल का चॉकलेट सिरप वो है। और ऊपर से पता है 3 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट और आई थिंक बटर स्कॉच वाला फ्लेवर का आइसक्रीम पड़ा हुआ है शायद, ये सच में जैम है, इसलिए इसका नाम ट्रैफिक जैम रखा गया है। तो ये काफ़ी टेस्टी है, मैंने सोचा कि आज मैं इसको ट्राई करती हूँ। मैं शायद इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ इनके यहाँ, ये काफ़ी अच्छे शेक्स बनाते हैं। कुछ दिन पहले मैंने इनके यहाँ का पंच शेक ट्राई किया था, जो कि मैंने आप लोगों से वीडियो शेयर किया था उसका, पंच शेक वाला। तो आज मैंने सोचा कि मैं ये ट्राई करती हूँ, तो ऐसे मैं कुछ और भी ट्राई करूँगी तो आपको दिखाऊँगी ज़रूर कि मैंने आज क्या ट्राई किया। तो ये हमारी शॉप यही वाली है जहाँ पर हम आते हैं। तो मैंने सोचा आपसे बात करते करते मैं इसको थोड़ा खा भी लूँ, थोड़ा गिर भी गया मेरे कपड़े पे ये, हाँ। तो यम्मी है, काफ़ी यम्मी है। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप लोग के अभी कोई छोटी शॉप हो ना, तो बहुत सारी शॉप ऐसी होती हैं जो लगते हैं कि अरे यार छोटा शॉप है कौन खाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पता है आप छोटे शॉप पे जाओगे, कभी कभी आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग को नहीं पता था कि ये इस शॉप पर इतनी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि हम लोग सोचिए, हम लोग ठंड में जब आते हैं भैया के यहाँ, तो ठंड में इनके यहाँ हॉट कॉफ़ी बहुत अच्छी देते हैं। हम लोग सोचिए पूरी ठंड ना, इनके यहाँ हॉट कॉफ़ी हम लोग डेली, लगभग डेली आते थे पीने के लिए, शायद ही गैप होता था, क्योंकि ठंड में तो आपको पता ही है धूप बहुत कम निकलती है। तो हम लोग इनके यहाँ हॉट कॉफ़ी पीने आते थे, और मेरे हस्बैंड क्योंकि कॉफ़ी नहीं पीते हैं, तो बगल वाले भैया के यहाँ चाय पीते थे। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये शेक वाले भैया के यहाँ तो स्नैक्स नहीं मिलते हैं, उनके यहाँ कॉफ़ी नहीं मिलती है, तो हम लोग उनके यहाँ से कुछ स्नैक्स ऑर्डर कर देते हैं, और इनके यहाँ से हम लोग कॉफ़ी या फिर जो भी शेक पीना है वो हम लोग पी लेते हैं। तो
चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और आगे मैं कुछ भी आपको बताऊंगी उसका वीडियो शेयर करूंगी ज़रूर, कुछ भी नॉलेजेबल या फिर कुछ भी एंटरटेनिंग। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय, थैंक यू।